व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को जय श्री राम। पहले और सभी को नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नई साल अपनी अब आए है, क्योंकि इतने दिनों तक वीडियो बनाने में लगा हुआ था यार। मैं आपके लिए वीडियो बनाना पहले ज़रूरी है, तो सबसे पहले ऐसे कोई मौज मस्ती करते हैं और फिर सोचते हैं हमें क्या बनाना है। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्रेनी हाउस चैप्टर फर्स्ट, जिसे बनाने में मुझे पूरा 10-15 दिन का समय लगा है। और ये मैंने हालांकि बना लिया है पूरा और आपको दिखाता भी हूँ। वो सामने दिख रहा है वही है ग्रेनी हाउस चैप्टर फर्स्ट। इसमें रियल ग्रेनी की तरह कम लाइट और कम उजाला है, जिससे कि एकदम रियलिस्टिक दिखे। हाँ, रियलिस्टिक तो देखेगा ही, क्योंकि तो चिनाटी भाई ने जो बनाया है, हमारे रोहित भाई ने जो बनाया है। अरे हाँ भाई, हाँ दिखेगा रियलिस्टिक। तो सबसे पहले ये जो गेट पे हमने दो दो लैंप लगा दिए हैं, यानी कि कम से कम 10-15 लैंप लगाए हुए हैं हमारे बाहर बाहर। अंदर का ये गेट है और यहाँ से जो सीढ़िया ग्रेनी, ये किचन है और इधर से ही ग्रेनी आती जाती है ज़्यादातर। और इस साइड वो हॉल जिसमें ग्रेनी का कबर्ड वबर्ड ये सामान रहते हैं, तो यहाँ पे भी एक लैंप लगा देते थे। और ये है हॉल जिसमें कि रेस्ट का सामान ऐसे रखा हुआ है। ये डाइनिंग टेबल और ये थोड़े से जोम्बी वोम्बी आ रखे हैं, तो एकदम रियलिस्टिक दिखे इसलिए। ओके, और फिर से यहीं पे घूम के हम वापस यहीं पे आ जाते हैं। और ये ऊपर सीढ़ी की तरफ जाता है, ये ऊपर मंजिल जिसमें कि हम जाते हैं। और इस जगह हम, यानी कि जब ग्रेनी अपने मारती है ना, तब यहीं पे मिलते हैं। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक गेम है। अरे माइनक्राफ्ट नहीं, ग्रेनी। माइनक्राफ्ट को तो सब देखते ही हैं यार, देखने में मज़ा आता है। और सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना रोहित भाई को, यानी कि चिनाटी गेमर्स को। नए हो तो सब्सक्राइब करो। और ये कबर्ड जो कि हमारे छुपने के लिए काम में आती है। और यहीं से ये एक और कमरा आ जाता है जो कि एक बेडरूम है, ग्रेनी का बेडरूम ही मान लो इसे। और उसी तरफ एक और हाउस जाता है जिसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा है, पर वह एकदम खाली पड़ा हुआ है, अंधेरा सा हो रखा है। और इस तरफ जाते ही हम बाहर की तरफ फिर से आ जाते हैं जहाँ पे हम थे। अब ये कैसे हुआ, ये इसमें मैंने डिज़ाइन किया है। वो कैसे किया आपको इसकी अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। और इस तरफ जो गाड़ी वाला गैरेज होता है वो इस तरफ होता है। ओके, और ये लैंप, और इस तरफ भी कुछ बगेट्स लगे हुए हैं। और ये बाहर का रास्ता, जिस तरफ हम खिड़की के बाहर जाते हैं ना, उस तरफ का रास्ता ये। यहाँ पे गेट भी लगा रहता है। और ये वो मेलन काटने वाला, और ये रही वो खिड़की जो आप सामने देख रहे हैं। और एक छोटा सा हाउस भी होता है, इंजन हाउस, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में का कुछ कार्य होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी का भी है अपने यहाँ। सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, चिनाटी गेमर्स आपके लिए कितनी अच्छी वीडियो बनाता है यार। सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलो, इसका कुछ एमिनेशन देख लो आप पहले। और ये साइड में ग्रेनी के थोड़ी खिड़की उड़की लगा दी है, जिससे थोड़ी रियलिस्टिक दिखे। और यहाँ पे सामने एक बेड लगाया हुआ है, ये मेरे सोने के लिए, क्योंकि 10-15 दिन तक लगा था और बनाना पड़ा, जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। ओके, तो ये घर आपको ग्रेनी जैसा लगा या नहीं लगा, कमेंट करना ज़रूर। इस वीडियो पे अपन 1K कमेंट की बात कर रहे हैं। चलो 1K नहीं तो 100 कमेंट आ जाते हैं क्या इस वीडियो पे, देखते हैं। ग्रेनी पावर दिखा दो भाई, गेम की पावर दिखा दो। ओके चलो नीचे चलते हैं अपन, और फिर यहाँ से नीचे का नज़ारा भी देखते हैं।
ओके बाय बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।